नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, दिस इज किशोर कुमार, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रेडी स्टडी को। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, राइट नाउ वी आर एट भनपुरी चौक NH 30। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है बिकॉज इट्स अ पिकनिक डे। हर साल की तरह इस साल भी हम लोग पिकनिक के लिए निकल चुके हैं। इस बार का हमारा पिकनिक स्पॉट है रहनी धारा वाटरफॉल, विच इज 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम रायपुर। तो चलिए बिना देरी के इस खूबसूरत जगह को आपको दिखाते हैं। रेडी स्टडी गो। अभी हम लोग निकल चुके हैं कवर्धा जिले के सबसे बड़े वाटरफॉल को देखने के लिए। तो चलिए आपको बताते हैं रानी देहरा वाटरफॉल रायपुर से कैसे जाना है। सबसे पहले भनपुरी चौक से हमको बिलासपुर की ओर जाना है, बीच में हमको सिमगा गांव मिलेगा। सिमगा गांव से पहले ही सर्विस रोड से लेफ्ट लेके बेमितरा जाना है। रायपुर से बेमितरा का डिस्टेंस अप्रोक्स 62 किलोमीटर है। तो चलिए बेमितरा चलते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बेमितरा। अगर आपको लगता है छोटा से टी ब्रेक ले लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे फूड स्टॉल्स हैं, जहाँ पर आप चाय नाश्ता करके आगे का राइड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हमको बेमितरा से कवर्धा की ओर जाना है। बेमितरा से कवर्धा का डिस्टेंस है लगभग 50 किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं। लो जी, पहुंच चुके हैं कवर्धा जिला, छत्तीसगढ़ के अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है कवर्धा। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, लाइक भौरवदेव टेम्पल, मडवा महल, शिल्पी घाटी, रानी देहरा वाटरफॉल, तरोदा डैम एंड मेनी मोर। कवर्धा से रानी देहरा वाटरफॉल के लिए निकलेंगे, तब हमको आजू बाजू बहुत सारे गन्ने के खेत देखने को मिलेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, हमको बहुत ही खूबसूरत गाँव का नज़ारा देखने को मिलेगा, जहाँ पर पूरा टोटली डिफरेंट व्यू रहेगा। जैसे हम और आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमको एक ऐसा रास्ता मिलेगा जो चट्टान को काटकर बनाया गया है। जैसे ही थोड़ा आगे जाएंगे तो बैरक गांव मिलेगा, वहां पर रानी देहरा वाटरफॉल का बोर्ड देखने को मिलेगा। वहां से राइट लेके रानी देहरा गांव जाना है, वहीं पर मिलेगा रानी देहरा वाटरफॉल। ये जो रास्ता है, इसमें थोड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये रोड खराब है, अभी बन रहा है। बट आई स्वेयर, जैसे जैसे आप करीब पहुंचोगे, आपको मनमोहक दृश्य देखने को मिलेगा, जिसमें आपका पूरा मूड रिफ्रेश हो जाएगा। जैसे ही आप 5 से 6 किलोमीटर अंदर जाओगे, तो आपको एक चेक पोस्ट मिलेगा, जिसमें 2-व्हीलर 10 रुपीस और 4-व्हीलर का 30 रुपीस चार्जेस पे करने के बाद आपको एंट्री मिल जाएगा। पहुंच चुके हैं रानी देहरा वाटरफॉल, बाकी हमारे कॉमरेड बॉयज लोग पीछे हैं, एक साथ चलते हैं सब। अभी सब भाई लोग गिव अप कर दे रहे हैं, 40 से 50 सीढ़ी बस चढ़ना है, उसके लिए पागल हो जा रहे हैं इन लोग। चलो चल के देखते हैं। पहला स्टॉपेज थोड़ी देर में मिलेगा, ये पहला स्टॉपेज है, अगर थक जाएंगे तो यहाँ बैठ सकते हैं। फाइनली प्लेन रास्ता आ चुका है, अब यहाँ से सीढ़ी चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वही सोच रहा हूँ मैं, और ऊपर जाना पड़ेगा लग रहा है। ये वाटरफॉल है, देख सकते हो वहाँ से, और वो नीचे में वाटरफॉल गिरता है। हम लोग और ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं। फिर से सीढ़ी मिल गई है, और ये सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। पहले सीढ़ी पड़ी थी, फिर बीच में प्लेन रास्ता था, फिर से हम लोग को सीढ़ी मिल गया है।
काय जम गया है, लेकिन बहुत ही साफ पानी है। वो दूर से ऊपर से ग्रीन दिख रहा है, लेकिन नीचे का नज़ारा वाइट रहेगा, मिल्की वाइट। यही है स्पॉट हमारा, यही पर हम लोग खाना ना बनाएंगे और खाएंगे। उस पार चलते, हम पूरी तरह जंगलों से घिरे हुए हैं। रिपोर्टिंग किशोर कुमार, कैमरामैन किशोर कुमार, रिपोर्टिंग कॉमरेड बॉयज। देख सकते हो यहाँ पर हम लोग खाना बनाएंगे और वो रहा वाटरफॉल। नानी देहरा वाटरफॉल कवर्धा जिले के सबसे बड़ा वाटरफॉल माना जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 90 फीट है। मेकल पर्वत की श्रेणी के अंतर्गत आने वाला यहाँ रानी धारा वाटरफॉल चारों तरफ पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ का वातावरण और भी मनमोहक होता है। बारिश के मौसम में यहाँ वाटरफॉल और भी खूबसूरत दिखता है। लेट्स सी सम मोर ब्यूटीफुल ड्रोन शॉट्स।